Hello students, I am Ankita Tiwari. Today in this video we are going to talk about singular and plural nouns, or we can say that one or more than one, as the name of your chapter is one or more than one. In the previous class we had already studied about noun, and you know very well about noun. Today we are going to talk about singular nouns. What are singular nouns? Singular nouns refer to one person, place, animal or thing. Means when we talk about only one person, one animal, one place or one thing, then we call it as singular nouns. Means जब भी हम किसी one person या one animal और one place और one thing की बात करते हैं, तो मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंगुलर नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, अ कैट, अ डॉग एटसेट्रा. हियर अ मीन्स वन, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन बॉय, वन कैट, वन डॉग एंड मेनी मोर. नेक्स्ट वन इज प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, वन एनिमल, one and place and one thing, then we call it as plural nouns. जब हम one से ज्यादा किसी भी person, place, animal और thing की बात करते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? Plural nouns. For example, boys, cats, dogs, chairs, etc. Means boys means more than one boy, means एक से ज्यादा लड़का, means ढेर सारे लड़के. कैट्स, डॉग्स, चेयर्स एटसेट्रा. टुडे वी विल लर्न अबाउट 3 to 4 रूल्स टू मेक प्लूरल नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर नाउन्स. आज हम पढ़ेंगे कि सिंगुलर नाउन्स से प्लूरल नाउन्स कैसे बना सकते हैं. द फर्स्ट वन इज एड एस. व्हाट वी डू, वी जनरली एड एस टू द सिंगुलर नाउन्स टू मेक इट प्लूरल नाउन्स. हम जनरली क्या करते हैं, एस एड कर देते हैं सिंगुलर नाउन में और उसको फिर क्या बना देते हैं, प्लूरल नाउन. फर्स्ट वन इज गर्ल. व्हाट वी हैव डन, वी एडेड एस टू द गर्ल दैट इट बिकम्स गर्ल्स. हमने क्या किया, गर्ल में एस एड किया तो ये क्या बन गया, गर्ल्स. सिमिलरली बुक, बुक्स. डॉग, डॉग्स. चेयर, chairs. Cat, cats. This is the first rule. First rule क्या था, हमने singular nouns में s को add किया. Coming to the next rule, add es to the singular nouns ending with s, double s, sh, ch, x, double z. Means हमें क्या करना होता है, जो singular nouns होते हैं जिनके end में या फिर s, double s, sh, ch, x, डबल z आएगा तो हम क्या ऐड कर देते हैं, es. लेट्स सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट वन बस. यहाँ पे क्या है लास्ट वर्ड, s. इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, es, तो क्या बन गया, buses. ड्रेस, व्हाट इज द लास्ट लेटर, डबल s, तो ये इसमें मैंने क्या ऐड किया, es, तो क्या बन गया, ड्रेसेस. बुश, लास्ट लेटर एस एच, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, ई एस, तो क्या बन गया, बुशेस. नेक्स्ट चर्च, क्या ऐड किया मैंने, ई एस, तो क्या बन गया, चर्चेस. नेक्स्ट बॉक्स, बॉक्सेस. बस, बजेस. कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, रिमूव वाई फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड एड आई ई एस. इस रूल में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर y के पहले जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हुआ तो हम उसमें y को रिमूव करके क्या ऐड कर देते हैं, आई ई एस. और अगर यही लेटर y के पहले वॉवल हुआ तो हम फिर जो है y को रिमूव नहीं करते हैं, हम क्या डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, s. सो लेडी, हियर, हियर इज लास्ट वन y. Before Y it is D and D is a consonant. So what we have done, we have removed
y and add ie s. तो हमने क्या किया, y को रिमूव किया और क्या एड कर दिया, ie s. तो लेडी का क्या हो गया, लेडीज. सिमिलरली चेरी, y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो हमने y को रिमूव करके क्या एड कर दिया, ie s. तो क्या हो गया, चेरीज. सेकेंड वन इज डोंट रिमूव y फॉलोड बाय अ वोवल एंड एड s. इसमें क्या करना होता है, अगर y के पहले वोवल आ रहा है तो इसमें हम y को रिमूव नहीं करते हैं, हम क्या ऐड कर देते हैं, s ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मंकी, हियर y के पहले क्या है, e. तो मींस हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, s. तो मंकी का क्या हो गया, मंकीज. की, हियर बिफोर y इट इज e, सो वी ऐड ओनली s, इट बिकम्स कीज. नेक्स्ट रूल इज रिमूव f और fe एंड add ves. जब भी सिंगुलर नाउंस में लास्ट का लेटर f या fe से आता है तो हम उसको किससे रिमूव कर देते हैं, ves से. फॉर एग्जाम्पल लीव, हियर द लास्ट लेटर इज f, सो वी रिमूव इट बाय ves, देन इट बिकम्स लीव्स. सेकेंड वन नाइफ, हियर द लास्ट लेटर इज एफ ई, सो वी रिमूव्ड एफ ई एंड एट वी ई एस, देन इट बिकम्स नाइव्स. सिमिलरली थीव, थीव्स, वाइफ, वाइव्स. सो दीज आर द फोर रूल्स विच आर फॉलोड टू मेक प्लूरल नाउन फ्रॉम अ सिंगुलर नाउन. देर आर सम मोर सिंगुलर नाउन्स विच डोंट हैव प्लूरल नाउन्स. कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल नाउन्स नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर, शीप, डियर एटसेट्रा, ये ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके प्लूरल नाउन्स नहीं होते हैं. देर आर सम सिंगुलर नाउन्स विच हैव प्लूरल नाउन्स बट देयर स्पेलिंग इज टोटली चेंज्ड. कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके जब प्लूरल नाउन बनते हैं तो उनकी पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन. इसमें क्या हुआ, स्पेलिंग चेंज हो गई. मैन, मैन का क्या होता है, मैन. वोमैन, वोमैन का क्या हो जाता है, वोमैन. सो दीज आर द रूल्स विच वी हैव टू लर्न टू मेक सिंगुलर, टू मेक प्लूरल नाउन्स फॉर सिंगुलर नाउन्स. सो इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, rules to make plural nouns from singular nouns. So for today this is all. Till then keep learning and take care.